नमस्कार दोस्तों, खबरें में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरव जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो सौरव जोशी करने वाला एक मीटअप जो कि लंदन में होने वाला है, यह दोस्तों वो जा रहे हैं लंदन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसी समय उन्होंने लंदन में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में एक मीटअप रखा है। तो अपने बर्थडे और मीटअप के बारे में सौरव जोशी ने अपने ब्लॉग में क्या बोला, आप खुद ही देखिए। मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे भी लंदन में ही मनाऊंगा। जो भी लंदन से देख रहे हैं ना, तो मीटअप करेंगे बर्थडे वाले दिन। कहाँ पे, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, जहाँ भी होगा वहाँ आप आ सकते हो और वहीं पे साथ में बर्थडे मनाएंगे। तो मेरा ये प्लान है। तो अगर आप लंदन से हैं, ये व्लॉग देख रहे हो, तो आप आ सकते हो हाइड पार्क में, और मेरा बर्थडे भी होगा तो मस्त सेलिब्रेट करेंगे। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, देखते हैं कितने लोग मिलने आते हैं हमसे। अगर कोई भी मिलने नहीं आया तो खुद ही सेलिब्रेट कर लेंगे, खुद ही केक काट लेंगे। तो मैं लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। हर्ष बेनीवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक रील पोस्ट की थी, जहां पर उन्होंने अपना पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। वो रील कुछ ज्यादा ही वायरल चला गया और रील पर कुछ ही समय में 6.4 मिलियन व्यूज मिले। तो उसी के रिलेटेड हर्ष बेनीवाल ने एक स्टोरी लगाई थी, आप देख सकते हो। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों, फुकरा इंसान जिस कार में घूम रहे थे वो कार उनकी नहीं थी, और उसी के रिलेटेड फुकरा इंसान का एक स्कैम हो गया। उसी के बारे में फुकरा इंसान ने अपने व्लॉग्स में क्या कहे, आप खुद ही देखिए। कल ना एक्चुअली मैं एक पार्टी में गया था, और वहाँ पर हनी पाजी ने आना था, तो वहाँ पर ना हनी सिंह पाजी से मिलने के बाद हादसा ये हुआ, क्योंकि गाड़ी मैंने वहाँ पार्क करवाने भेजी थी, और जिसने पार्क करी ना उसने ये थोड़ा सा निशान दे दिया गाड़ी पर। और गाड़ी एक्चुअली ये पाजी की, हमारे गौरव भैया की, और अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ उनको वापसी देने। मैंने उनसे ये गाड़ी उठाई थी क्योंकि मेरे को जैगुआर का नंबर का कुछ इशू चल रहा था, मैं स्पेशल नंबर चाहिए और वो मिला नहीं था। तो कल हनी सिंह पाजी के साथ फ़ोटो जो थी वो थोड़ी महंगी पड़ गई है हमारे को, और अब मैं सोच रहा हूँ पहले इसको ठीक करा लेते हैं और फिर चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। तो अगला अपडेट है एक इंटरव्यूअर की। आपको पता ही होगा आजकल कहीं भी रिपोर्टर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए रास्ते पर कहीं भी लोगों का इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं, और ऐसा एक रिपोर्टर के साथ में हुआ। इंटरव्यूअर ने रिपोर्टर का प्रैंक कर दिया, आप खुद ही देखिए। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? क्या दीदी, क्या आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है, लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। चलिए आज के लिए इतनी अपडेट से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।